हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि मेयर अंकल अन्ना अंकल से सन सिटी में आ रहे स्पेशल केलों की डिलीवरी के लिए कहते हैं। इधर केलों के ट्रक पर तीन बंदर धावा बोल देते हैं और स्पेशल केलों के जो कि गोल्ड के बने थे उनको लूट लेते हैं। इधर R7 की डेंजर लाइट ब्लिंक करने लगती है और किको सुपर स्पीडो को बुलाता है और फॉर्मूला नंबर 55 लगाकर वे सब हाईवे पर पहुंच जाते हैं, जहां वे तीनों बंदर केले की चोरी करके साइकिल पर बैठते वहां से रफा दफा हो जाते हैं। सुपर स्पीडो साइकिल के टायर के निशान फॉलो करते हुए उनका पीछा करने लगता है और उन तक पहुंच भी जाता है। और जब अपना कीको उन्हें समझाने की कोशिश करता है तो वह समझने की बजाय उल्टा कीको और बाकी सबको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने लगते हैं। तो फिर क्या था, अपना कीको सुपर स्पीडो से फॉर्मूला नंबर 333 लगवा कर एक मंकी को तो पिंजरे में कैद करवा लेता है और सुपर स्पीडो ऑटो रिपेयर होने के लिए रुक जाता है। तब अपना कीको अकेले ही उन मंकीज का पीछा करने लगता है और वहाँ बीच में एक नदी पड़ती है जिसमें से वह बंदर तो चलकर निकल जाते हैं। इस पर कीको बहुत शॉक्ड होता है और मंकी अपने ठिकाने पर पहुंच भी जाते हैं, लेकिन कीको पानी के बहाव में बहने ही वाला था कि सुपर स्पीडो आकर उसे बचा लेता है। और अब वे उन बंदरों को ढूंढने लगते हैं लेकिन उन्हें कोई नजर नहीं आता, इसलिए वे वापस सनसिटी में आ जाते हैं और उन बंदरों के रिमोट से कंट्रोल करने वाला मोंडो मदारी उनसे गोल्ड बनाना तो ले लेता है और उन्हें वापस सनसिटी में भेज देता है अपने साथी को बचाने के लिए। इधर कीको की नजर मंकी के पैर में बंधे एंकलेट पर पड़ती है और सुपर स्पीडो उसे स्कैन करता है और बताता है कि कीको यह कोई मामूली एंकलेट नहीं है बल्कि इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलिंग डिवाइस है जिसे रिमोट से कंट्रोल करके मंकी से कुछ भी करवाया जा सकता है। तब कीको और बाकी सब समझ जाते हैं कि इन मंकीज को कोई और कंट्रोल कर रहा है और मेयर अंकल कहते हैं कि उस ट्रक में जो गोल्ड बनानास आने वाली हैं ये बात हमारे अलावा केवल ट्रक ड्राइवर को पता थी, तो हो ना हो यह ट्रक ड्राइवर ही मोंटू मदारी हो सकता है। फिर कीको और सुपर स्पीडो उस ड्राइवर को ढूंढने के लिए वहां से निकल जाते हैं। इधर वे दोनों मंकीज वहां आ जाते हैं अपने साथी को बचाने के लिए और जब वे लोग उन मंकीज को रोकने की कोशिश करते हैं तो वे उन्हें नुकसान पहुंचाकर वहां से भाग जाते हैं और तब कीको और सुपर स्पीडो वापस वहां आते हैं और उन्हें बचाते हैं। फिर उन मंकीज का पीछा करने लगते हैं और वे फिर से उसी नदी को क्रॉस करते हुए निकल जाते हैं। इस बार कीको भी नदी को चलते हुए क्रॉस कर लेता है क्योंकि वहां बंदरों के निकलने के लिए ट्यूब डली हुई थी और इस बार कीको भी उस ट्यूब को नोटिस करता है और चल के निकलता है। वे मंकीज एक केव में चले जाते हैं और कीको को नुकसान पहुंचाने की कोशिश में लग जाते हैं, लेकिन अपना कीको उन्हीं में से एक मंकी की जान बचाता है जिससे सभी मंकीज कीको को ट्रस्ट दिखाने लगते हैं और कीको को और सुपर स्पीडो को गले से लगा लेते हैं और वे समझ जाते हैं कि कीको अपना हमदर्द है, वो दुश्मन नहीं। फिर कीको के कहने पर वे उन्हें अपने अड्डे पर ले जाते हैं जहां वह ड्राइवर बेहोश पड़ा था। फिर कीको सभी को लेकर सन सिटी में आ जाता है और यहां आकर सुपर स्पीडो फॉर्मूला नंबर 888 लगाता है जिससे कि जिसके पास भी रिमोट होगा वह जोर जोर से वाइब्रेट करने लगेगा और इस तरह से वह असली मोंटू मदारी को पकड़ लेते हैं जो कि ड्राइवर अंकल का असिस्टेंट था और वह अपने बंदरों से पूरी सन सिटी को बर्बाद करने की धमकी देता है। फिर कीको उसका सामना करता है और फाइनली अपनी और सुपर मूव का यूज करके उसे वही ढेर कर देता है और रिमोट को तोड़ देता है। इस तरह से कहानी की हैप्पी एंडिंग होती है। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसे लगी कमेंट में जरूर बताएं। चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।